हेलो फ्रेंड्स, मैं नौरुत्राम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आज हम आपके लिए एक बहुत ही जरूरी और आवश्यक सूचना लेकर आए हैं। दरअसल आपको बताना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है और कई लोग इसकी तैयारी में भी जुटे हुए हैं। जी हाँ, बहुजन मुक्ति पार्टी सहित दलित संगठनों के द्वारा 5 मार्च को भारत बंद किया जा सकता है, ऐसी सोशल मीडिया पर है, कई सारे पोस्टर जारी है। अभी तक इसकी मैं नहीं कह रहा, लेकिन कई तैयार लोग हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। खासकर बहुजन मुक्ति जो पार्टी है, बहुजन मुक्ति मोर्चा है, उसकी तरफ से इस मामले को लेकर है। वो 5 तारीख को भारत बंद का जो है माहौल कर रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी बड़े जोर शोर से की जा रही है। दिल्ली से प्रोफेसर रतन लाल जी भी इसकी तैयारी है, वो बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो इससे ये साफ हो चुका है कि 5 मार्च को है अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के द्वारा एक बार फिर से भारत को बंद किया जा सकता है। जी आपको वो 2 तारीख का मंजर याद तो होगा ही, जब पूरे भारत के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने एक साथ पूरे भारत को मजबूती के साथ बंद कर दिया गया था। अब ठीक उसी प्रकार की है वो घटनाएं आ रही है, कई सारे मैसेज है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जो मैसेज वायरल हो रहे हैं मैं आपको अपनी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूं, और इसकी अगुवाई है वो बहुजन समाज के कई सारे जो नेता है बड़े बड़े, वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है और जो राष्ट्र प्रणाली को लेकर जो मुद्दा उठाता उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति अग्रणी रहा था उनमें से एक है रतनलाल प्रोफेसर, वो भी इस मामले को लेकर काफी है। तो 5 तारीख को है वो भारत बंद की घटना एक बार फिर से है देखने को मिल सकती है। जी हाँ, ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप पर कई सारे ऐसे मैसेज वायरल है जिससे ये साफ है कि 5 मार्च को अनुसूचित जाति के समाज के द्वारा, पिछड़े वर्ग के द्वारा और जो आदिवासी समाज है उसके द्वारा भारत है वो बंद किया जा सकता है। दरअसल मुद्दा जो है वो है 13 पॉइंट राष्ट्र प्रणाली को लेकर अध्यादेश लेकर आए, साथ ही जो अभी अभी हाल ही के अंदर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो वन के अंदर विचरण करने वाले आदिवासी लोग हैं, जो वनों के अंदर अपने मकान घर परिवार बना सके, उनको है वो छोड़ना पड़ेगा अपनी जगह पर, उनकी सरकार उनको पूरे करे। इन्हीं सारी चीजों को लेकर है भारत बंद बुलाया गया है और इसकी पुष्टि है वो लगातार की जा रही है। प्रोफेसर रतन लाल की जो ट्विटर अकाउंट है उनसे जगह जगह पर उनकी मैसेज है और साथ ही वो लिख भी रहे हैं कि मैं इस जगह पर जाकर इसकी तैयारी कर रहा हूं। तो ये साफ नजर आ रहा है कि क्या उस तरीके से उस दिन की तरह एक बड़ा भारत बंद है, और इस भारत बंद को बुलाने के पीछे 2 ही बड़े कारण बताए जा रहे हैं कि 13 पॉइंट राष्ट्र प्रणाली को खत्म करके 200 पॉइंट राष्ट्र प्रणाली वापस लागू की जाए, और जो आदिवासी समाज है जिनके मकान कुरुक होने की संपत्ति में आए, जो 20 लाख लोग बेघर होने वाले हैं, उन सारे लोगों को लेकर एक बार फिर से भारत हो सकता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है और कई सारे सोशल साइट पर है इसका मैसेज है वो वायरल हो रखा है कि 2 अप्रैल की तरह ही 5 मार्च को एक बार फिर भारत है वो बंद होगा। 5 मार्च को लेकर एक बड़ी ये जानकारी हम लोगों के सामने मिली है। कल से मैं इसके मैसेज है वो कई सारी जगह पर वायरल होते हुए देख रहा हूँ। मैसेज है वो व्हाट्सएप पर भी शेयर हो रहे हैं, ट्विटर पर भी शेयर हो रहे हैं, और ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो मैसेज है वो पूरी तरीके से वायरल है। मैं आप लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो इससे ये साफ हो चुका है कि वापस अनुसूचित जाति जनजाति जो समुदाय है वो भारत को बंद कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अलग अलग मुद्दों को लेकर अनुसूचित जाति समुदाय के द्वारा, पिछड़े वर्ग के द्वारा, एसटी समुदाय के द्वारा लगातार अपने हकों की आवाज है वो उठने लगी है। जैसे ही रोहित वेमुला का कांड हुआ था उसके बाद से लगातार पूरे देश के अंदर है वो अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के अंदर एक जागृति की लहर आई है, और उस जागृति की लहर का ये परिणाम हुआ है कि पूरे देश के अंदर एक बड़ी संख्या के अंदर अनुसूचित जाति समुदाय को जो नेतृत्व मिलने की संभावना है वो भी दिखाई दे रही है। इससे ये साफ नजारा ये देखने को मिला है कि अब अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय जो है वो आने वाले दिनों के अंदर अपने किसी भी जो कार्यक्रम है या अपने किसी भी प्रकार की जो बातें हैं, जैसे हम कुल मिलाकर अगर किसी मुद्दे की बात करें तो वो अत्याचार हो या कोई उन पे होने वाले जुल्म हो, अब वो सहने का वक्त चला गया। हर छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के द्वारा, पिछड़े समुदाय के द्वारा आ रही प्रतिक्रियाओं से ये साफ हो चुका है कि अब ये समुदाय जुल्म है वो और ज्यादा दिनों तक नहीं सह पाएगा। इससे ये साफ है और ये मैसेज फाइनल माना जा रहा है। कई जगह पर इसकी तैयारी की जा रही है, 5 मार्च को है
भारत बंद किया जाएगा। इसके जो मुद्दे हैं वो अहम यही रहने वाले हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को बहाल करके 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू की जाए और 20 लाख लोगों को जिनको बेघर किया गया है उनको फिर से उनके घर पर स्थापित किया जाए। ये कुल मिलाकर एक बहुत ही बड़ी घटना है जिससे ये साफ हो चुका है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनको आने वाले दिनों के अंदर एक और पूरे देश को भारत बंद। ये नेशनल मीडिया अभी कवरेज नहीं कर रहा है, जैसे कि 2 अप्रैल को नहीं कर रहा था, ठीक उसी प्रकार भी अभी तक इसको कवरेज नहीं कर रहा है, लेकिन 5 तारीख के बाद जरूर करेगा, ये गारंटी है। तो मतलब एक बड़ा प्रदर्शन जरूर देखने को मिलेगा 5 मार्च को, और आपके क्षेत्र में भी शायद ये अगर ये तैयारी चल रही है तो आप भी इस पे जरूर जरूर ध्यान देना। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।